हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन होता है पानी का जो है वो वेपर्स की फॉर्म में बन के या स्टीम्स की फॉर्म में बन के ऊपर की तरफ जाना, दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे कि सनलाइट में आपने देखा होगा समुंदर में से या नदी में से खेतों में जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, या फिर आपने देखा होगा जब आप बीकर को हीट करते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है बेटा, जस्ट अ मिनट, जैसे आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि हीट कर रही हैं आप पानी को, तो उसमें से भाप आपको उड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो दैट इज ऑल्सो इवेपोरेशन। तो ये क्या है बेटा? दिस इज इवेपोरेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन, तो आप क्या बताएंगे कि पानी का जो है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, जैसे शैलो पिट से हो सकता है, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं सूरज की रोशनी में, उनसे इवेपोरेशन हो सकती है, या फिर समुंदर से हो सकती है, या फिर आप बीकर हीट कर रहे हैं उससे हो सकती है। ओके, सो दिस इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट आपका आता है बेटा यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। किसी भी प्रोसेस को सेपरेट आउट करने के लिए आप मोर देन वन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड जो है वो यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई मिक्सचर सैंड का और सॉल्ट का है, तो उससे आप, या फिर आप एग्जाम्पल ले लो, अगर एग्जाम्पल है आपका सैंड एंड सॉल्ट का, तो देन आप इसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? आप अगर सैंड जो है वो मोटी मोटी है, दैट मीन्स उसके अंदर पैबल्स वगैरह हैं, उनको आप हाथ से निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि बीकर के अंदर मिक्स करके उसको छोड़ सकते हो, तो उसमें से क्या होगा, सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी और सॉल्ट जो है वो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर उसको क्या करना है, ऊपर से पानी उतार लो तो सैंड तो आपके नीचे रह जाएगी और पानी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, नमक आ जाएगा और पानी। और फिर पानी को अगर इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेशन अगर उसको गैस पर रख देंगे, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और उसके अंदर सिर्फ आपका क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तरह आपने मल्टीपल यूज़ करें, मल्टीपल कौन कौन से यूज़ करें, आपने उसके अंदर जो है वो सेडिमेंटेशन यूज़ किया, डिकेंटेशन यूज़ किया, उसके बाद आपने जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ किया। तो किन्हीं भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बेटा एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ भी किया जा सकता है। फिर आपका अनदर इम्पॉर्टेंट जो आता है मेथड ऑफ सेपरेशन, वो आता है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन इज ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब तो क्या था, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम्स, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एंड व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन मतलब वेपर्स का फिर से जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देखकर जो है आप समझ जाओगे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। दिस इज़ केटल बेटा, ये केटली है जिसको गर्म किया जा रहा है, यहाँ से वेपर्स निकल रही हैं, तो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। उसके बाद अगर आपने कोई ठंडी चीज़ उससे जो है वो आपने पैन लिया, उसमें आइस रखी, उससे टकरा कर क्या होगा, पानी जो है ड्रॉप वाइज इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या हो रही है, वेपर्स फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, इसकी रीडिंग बहुत ही ईजी है बेटा, बहुत ही ईजी वर्डिंग है, आप रीडिंग लगाओगे आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज या कॉल करके जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बेटा, कैन वाटर डिजोल्व एनी सब्सटेंस? क्या वाटर के अंदर आप कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व कर सकते हैं? देखो बेटा, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन
वो जो मिक्स हो जाते हैं बेटा, वो भी एक लिमिट तक ही मिक्सचर होंगे, एक लिमिट तक ही मिक्स होंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है आपका सैचुरेटेड से। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अब आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी मैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। आपने क्या लेना है, आधा ग्लास पानी लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक चम्मच चीनी डालनी है, उसको डिसॉल्व कर देना है। दूसरा चम्मच चीनी डालनी है, फिर उसको डिसॉल्व कर देना है। तीसरा चम्मच चीनी डालनी है, फिर उसको डिसॉल्व करना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब चीनी और डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी और वो नीचे एज इट इज़ रहने लग जाएगी। तो क्यों? क्योंकि वाटर की भी अपनी एक कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने की। तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि अब और ज़्यादा जो है सॉल्यूट नहीं डाला जा सकता, नहीं मिक्स हो सकता, तो वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर जो है वो पहुँच जाता है। तो इस केस में वाटर क्या है? सॉल्वेंट, जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। शुगर क्या है? सॉल्यूट, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यानी व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज एडेड टू अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा एक सॉल्यूशन जिसके अंदर अब और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाला जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बोलते हैं। ओके, यही बात आपको इस एक्टिविटी के थ्रू समझाई गई है, फिगर में भी आपको दिखाया गया है बेटा। आप उसको जो है वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। If there is any problem, you can ask me anytime, okay? Next आपका आता है बेटा, next activity जो आपको activity 9 दी गई है। activity 9 same आपको salt को लेकर गई है। Similarly salt में भी क्या होगा, वो एक limit तक ही dissolve होगा, उसके बाद जो है वो dissolve नहीं होगा। और ये activity सभी अपने घर पे करके देखेंगे और फिर मुझे जो है वो बताएंगे, ठीक है। अपना जो 5.2 है उसके अंदर आपको जो टेबल है वो फिल करके मेरे पास भेजनी है, ओके। और एक्टिविटी 10 में आपको दो ग्लासेस एक साथ लेने हैं, दोनों के अंदर सेम आपको जो है एक में सॉल्ट डिसॉल्व करना है, एक में शुगर डिसॉल्व करना है, और फिर आपको जो है पता लगाना है कि सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है या शुगर ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो रही है। और वो रीडिंग आपको यहाँ 5.2 के अंदर भरनी है और फिर मुझे बताना है कि मैम ऐसे ऐसे हुआ है, ओके। नाउ दिस चैप्टर इज़ योर कम्प्लीट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।